हे गाइस, वेलकम बैक टू आर एल चौहान ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। एंड आज अभी टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है और मैंने अभी लंच नहीं किया है। एक्चुअली लंच मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बस जो चावल है बस उसको फ्राई करना है मुझे आज। बस चावल फ्राइड राइस खाएंगे, अगर इसको अगर थोड़ा अच्छे वे में बोला जाए तो फ्राइड राइस खाने वाले हैं हम। और मेरे हस्बैंड तो जॉब पे चले गए हैं तो मैं अभी अकेली ही हूँ घर में। और उसके बाद से आज मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाने वाली हूँ, जो मैंने कई वीडियोस में बोला भी है कि मैं कराऊंगी, दिखाऊंगी, मतलब होम टूर कराऊंगी। पर होम टूर तो नहीं, अभी तो सिर्फ मैं अपना रूम ही दिखाऊंगी। और बाकी मुझे अभी क्या करना है मैं भूल गई, मुझे क्या करना था। तो पहले चलते हैं, अपना रूम मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, उसके बाद से हम, मुझे थोड़ा सा भूख भी लग रही है, अपना लंच बनाते हैं। लंच बनाना क्या, उसको फ्राई ही तो करना है, तो वो करेंगे और फिर हम खाना खाने के बाद से मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा देती हूँ। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ यार, जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, जो लोग नए हैं मेरे वीडियोज़ पे, कृपया करके वो लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो बाकी दिखाते हैं, रूम दिखाते हैं आप लोगों को, चलिए। तो ये रहा मेरे सामने वाला जो है वो मेरा रूम है, और जो इधर है वो भी मेरा है। बट ये इसमें कोई रहता नहीं है, इसमें सिर्फ सामान वामान रखा है, मतलब इसको स्टोर रूम की तरह ही बोल सकते हैं। बाकी ये वाला जो रूम है, ये जो मेरी बड़ी मम्मी है उनका मतलब रूम है, तो ये भी बंद ही रहता है, जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो लोग खोलते हैं अपना। चलिए हम अपने रूम में चलते हैं। ये रहा मेरा मैट, और ये लकड़ी जो आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने क्यों रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है कि घर में चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये जो गेट लगा हुआ है उसको नीचे से उन लोगों ने काट दिया था, तो अभी मैंने नीचे में जाली लगा दिया है और बाकी ये लकड़ी भी रख दिया है ताकि आए ना वापस से, क्योंकि इतना मोटा लकड़ी है तो नहीं काट पाएगा। और ये देखिए मैंने इस वाले पे भी कितना लगाया हुआ है ताकि ये अंदर ना जा पाए। तो चलिए चलते हैं मंदिर। और ये रहा मैट, और जो थोड़ा सा दिख रहा है वो झाड़ू है। ये रहा मेरा बकेट, इसमें मैं जो गंदे कपड़े होते हैं वही सब रखते हैं। ये रहा शूज रखने वाला रैक, और इस पर कुछ ऐसे सामान डिब्बे भी रखे हुए हैं। ये मेरा अलमीरा जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं। और ये रहा मेरा मंदिर, जो कि दोनों टाइम हम पूजा करते हैं अपने मंदिर में। और ये रहा फ्लावर पॉट, जिसको मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। और देखिए ये हमारी रूम की विंडो है, ये जो सामने पेड़ दिख रहा है ना वो आम का पेड़ है। फिलहाल इसमें आम इतना ज़्यादा आया नहीं है इस बार, वरना वैसे तो आता था, हर साल ही आता था, लेकिन इस बार नहीं आया उतना। वो हमारा कूलर, और ये रहा हमारा सोफ़ा, सबसे अच्छा लगता है मुझे ये चीज़ यहाँ का, मतलब अपने बेडरूम का अगर कुछ चीज़ अच्छा बोला जाए कि मतलब मुझे क्या पसंद है, तो मुझे यही चीज़ सबसे अच्छी लगती है अपने बेडरूम में, हमारा सोफ़ा। ये रहा हमारा टेबल, वो पावर बैंक। और चलिए दिखाते हैं, ये देखिए ये वाले ये सारे स्टिकर ना मैंने मतलब ऑनलाइन ही मंगाया था, फ्लिपकार्ट से मंगाया था, देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। और ये रहा देखिए मेरा टैडी, ये जो टैडी है ना, मेरे हस्बैंड ने जब मेरे साथ थे, वो फर्स्ट वैलेंटाइन डे जब हम लोग का साथ में हुआ था, तब उन्होंने टैडी डे पे मुझे वो दिया था, तो वो वहीं पे रखा हुआ है। ये देखिए ये मैंने मीशो से मंगवाया था, छोटा छोटा मॉन्क 4 मिला था मुझे। ये देखिए वहाँ पे पॉइंट्स रखे हुए हैं, और इसकी देखिए एक आँख चली गई है बेचारा, इसकी एक आँख खो भी गई है। और ये जो टेबल और चेयर है मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि वो इस पर कभी कभी बैठ के पढ़ाई भी करते हैं जब उनका मन करता है तब। और ये हैं हमारे स्वामी महाराज जी, और ये देखिए इस वाले वॉल पे कुछ भी नहीं लगाया मैंने, ये एकदम सिंपल है। और वो देखिए वो मेरी फोटो है, और ये देखिए ये हमारा बेड है। आप सोच
रूम में ये कंबल से रखा हुआ है, तो ये कंबल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमेशा से आदत है, चाहे ठंडी में तो हर कोई ओढ़ता ही ओढ़ता है लेकिन गर्मी में कोई नहीं ओढ़ता होगा ना, वो भी इतना मोटा कंबल तो कोई नहीं ओढ़ता, या तो ज़्यादा से ज़्यादा ओढ़ता है तो क्या एक बेडशीट ले लेता है ओढ़ने के लिए इंसान, लेकिन नहीं, मेरे जो हस्बैंड हैं उनको ये चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए या कुछ भी हो जाए उनको ब्लैंकेट ही चाहिए होता है। क्योंकि ये जब हम लोगों ने गद्दा मंगवाया था तब हम लोगों को इसके साथ में ये बीन बैग मिला था, और ये रहा हमारा टेबल, मैट, देखिए उस वाली मतलब वॉल पे भी हम लोगों ने ऐसे स्टिकर्स लगा रखे हैं, और ये जो पर्दे आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, अब मेरा अधिकतर सामान ना ऑनलाइन ही रहता है, ये वाली वॉल और ये देखिए, और वहाँ पे देखिए वो पाइप रखा हुआ है, वो कूलर में पाइप डालने पानी डालने के काम आता है, और उधर ही मेरा किचन है, चलिए मैं दिखाती हूँ, ये वॉशरूम है वो नहाने वाला है, और उसके बाद से ये देखिए वॉशिंग मशीन, ये हमारा किचन है, तो किचन में बाद में आपको दिखाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा गंदा है इस वजह से अवॉइड करिए आप लोग, और ये है मेरा रूम। चलिए मैं आपको सामने से अब सामने कैमरा कर लेती हूँ, ठीक है। हे गाइस, ये देखिए अभी शाम के बज गए हैं 6 और अभी मुझे थोड़ा सा भूख लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैगी बना लेते हैं, तो देखिए अभी मैंने ये प्याज और टमाटर काट लिए हैं और हरी मिर्च भी है, 3 हरी मिर्च है, और ये रही हमारी मैगी, और ये रही हमारी कढ़ाई, और ऑयल गर्म ही हो गया है ये, और मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी वाली मैगी है, ये देखिए जो मैगी हम लोग खाते हैं ना, तो वो ये वो वाली मैगी नहीं है, ये है 1-1, मतलब ये जो मेरा गाँव वाला जो ससुराल है ना वहाँ पे ये वहीं से आया हुआ है, वहीं पे ही मिलती है, बाकी शहरों में तो नहीं मिलती है, मतलब ये सब तो गांव में होता है ना, कुछ अलग अलग ब्रांड की मैगियाँ मिलती रहती हैं, तो ये वहीं से आया हुआ है, बाकी इसका टेस्ट मतलब उतना तो वैसा नहीं, सेम टू सेम नहीं है वैसा, थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन हाँ खाने में अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि खराब सा है बेकार सा है, वैसा नहीं है, खाने में ठीक लगता है, लेकिन वो वाली मैगी तो मैगी ही है, तो ब्रांड है तो ब्रांडेड चीज़ तो ऑब्वियसली अच्छी ही होती है। तो चलिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें डाल देते हैं प्याज, ये देखिए दोस्तों ये हमारा प्याज और टमाटर हो गया है, अब इसमें पानी डाल देते हैं, कुछ लोग अलग अलग सब लोग अलग अलग टाइप की अपना बनाते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ कि अभी थोड़ा सा बॉइलने लगेगा पानी, और ये रहा मैगी मसाला, ये देखिए ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना क्योंकि ये दूसरी मैगी है ना, उसका थोड़ा येलोइश कलर होता है मैगी का जो मसाला होता है, थोड़ा सा और डाल देते हैं, सॉरी अभी थोड़ा सा बॉयल होने लगे उसके बाद से हम इसमें मैगी डालेंगे। ये देखिए गाइस हमारी मैगी बनके तैयार है, और इधर चाय बन रही है, मेरे हस्बैंड भी आने ही वाले हैं तो भी मैंने दोनों कप निकाल लिया है, बस अभी थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, और ये देखिए हमारी मैगी कितनी अच्छी दिख रही है ना, किसको मैगी पसंद है प्लीज़ कमेंट करें, और रुकिए मैं फ्रंट कैमरा ऑन कर देती हूँ, तो हमारी मैगी और मैगी तो बन गई है, चाय बस बन रही है, और बाकी जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।